पहली चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ज्योतिष शास्त्र को समझने में वो ये है, लोग समझते हैं कि अगर ये शास्त्र कहा गया इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी एनर्जीज है जो तुम्हें डिस्ट्रक्टिव मोड पर ला के रख देगी। नहीं, ये एक नेचर का ऐसा सिद्धांत है जो चल ही रहा है। तुम हो ना हो निसर्ग अपना काम करेगा, तुम हो ना हो गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा, तुम हो ना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपना काम करेगा। अगर तुम ज्योतिष शास्त्र को समझो तो तुम अपने पर्सनैलिटी को, अपने होने को थोड़ा सा समझ सकते। तुम ये समझ सकते कि चीजें तुम्हारे शरीर पर किस तरह से काम कर रही है और चीजों का तुम्हारे भीतर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं तांत्रिकीय पद्धति। उन तांत्रिकीय पद्धति में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा अगर तुम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सभी को नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र के उन चीजों पे बात करेंगे जो सवाल आए, ठीक है, और सवालों के हिसाब से हम ये देखेंगे कि आज क्या आखिरी का प्रवचन होगा इस चीज का। जहां तक एक्सप्लेन किया जा सकता है हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्र आपके जीवन में काम करता है। एक ही चीज है जो मैं वापस से आपसे कहना पसंद करूंगा और वो ये है कि इसे विज्ञान की तरह ले। ये इस चीज को समझने की कोशिश है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी पर कौन सी ऐसी एनर्जीज है जो काम करती है। ये इस चीज को समझने की कोशिश है कि किस तरह से बाहरी तत्व ह्यूमन बॉडी पर काम करते हैं और उसे संचालित करते हैं, रादर देन जस्ट ये सिर्फ हवाएं, जिसे हम कहते हैं ना बातूनी तरी, उस तरह से, ठीक है। तो बस इसे इसी तरह से लेना जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे शरीर पर काम करता है, उसी तरह से ये ब्रह्मांडीय चीजें, चाहे वो तुम्हारे आसपास की ऊर्जाएं क्यों ना हो, वो भी तुम्हारे शरीर पर काम करती है। अगर हम इसे और थोड़ा सा समझे तो मैं इसी तरह से कहूंगा, अगर तुम मंदिर में जाते हो किसी भी, चाहे तुम मस्जिद में जाओ, कोई भी गिरजाघर में जाओ, जहां भी तुम मानते हो, वहां पर जाने के बाद तुम्हें एक अलग फील होता है, तुम्हें एक डिफरेंट फील होता है, तुम अंदर से ऐसा अच्छा फील करते हो। और वही अगर तुम किसी कचरे के डब्बे के पास बैठ जाओ कुर्सी डाल के, तो तुम्हारी पूरी की पूरी बायोलॉजी बदल जाए। इसे इसी तरह से समझना कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। उसी में सारे के सारे ग्रह तारे आते हैं, उसी में ये पृथ्वी आती है, उसी में सारे की सारी संचालित ऊर्जाएं आती है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्यतः दो चीजें आती है, एक बाहरी ऊर्जाएं जो ग्रह तारे नक्षत्र और आसपास की जो छोटी मोटी चीजें हैं जिससे हमारे जीवन पर प्रभाव गिरता है, एक, और दूसरी चीज ये है कि हमारे भीतर जहां से हम आए हैं, जहां से सब कुछ निर्मित है, उसका हमारे शरीर पर किस तरह से इफेक्ट होता है, और उसे समझने की कोशिश, हमारे भीतर की एनर्जी कोर्स को समझने की कोशिश ज्योतिष है। तो जैसे कि परसों के दिन हमने बात की बाहरी तत्वों के बारे में, और कल हमने बात की पूरे के पूरे भीतरी तत्वों के बारे में, कि किस तरह से हमारे शरीर के भीतर की ही ऊर्जा, हमारे ही अपने विचार, हमारे ही अपने भीतर की जो भी एनर्जी बॉडी है वो हमारे जीवन को निर्मित करती है। इससे रिलेटेड जो भी वैज्ञानिक फिलहाल काम कर रहे हैं उसको भी हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। इन दो दिनों में जो सवाल आए हैं उनको थोड़ा सा काट कर जो भी सही लगता है इस प्रवचन माला के हिसाब से उसे हमने लिख लिया है, और एक एक सवाल के हिसाब से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि क्या ज्योतिष शास्त्र के कुछ फायदे भी हैं, और दूसरा कि क्या इसे बदला जा सकता है, और अगर इसे बदला जाए तो क्या इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट है कि एंटी नेचुरल है, नेचर के विरोध में। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं। इसे इसी तरह से समझे कि ज्योतिष शास्त्र के क्या फायदे हैं जो हमने दो दिन में बात किए। अगर तुम ज्योतिष शास्त्र को समझो तो तुम अपने पर्सनैलिटी को, अपने होने को थोड़ा सा समझ सकते। तुम ये समझ सकते कि चीजें तुम्हारे शरीर पर किस तरह से काम कर रही है और चीजों का तुम्हारे भीतर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ तुम्हारे भीतर की जो चीजें हैं वो भी किस तरह से तुम्हारे जीवन को संचालित कर रही है। इसको समझ कर हम हमारे जीवन को थोड़ा सा सही ढंग से जी सकते हैं। इसके जो फायदे हैं उसी तरह से है जैसे मैंने दो दिन पहले कहा था कि अगर तुम्हें अंदाजा आ जाए कि अगले दो साल तुम्हारे लिए थोड़े से खराब होने वाले हैं, थोड़े से समस्या से भरे हुए होने वाले हैं, तो कुछ अगर नए प्रोजेक्ट शुरू करने हो, कुछ महत्वाकांक्षी चीजें शुरू करनी हो, तो तुम थोड़ा सा रुको, तुम थोड़ा सा देखो कि कुछ समय के लिए मेरे आसपास की एनर्जी सही नहीं है, तो इस वक्त में कुछ भी अगर मैं शुरू करूंगा तो वो समस्या क्रिएट करेगा। और अगर शुरू भी करना है तो किस मात्रा में करना है जिसके कारण तुम्हें फायदा हो जीवन में, इस तरह से इसका पूरा का पूरा उपयोग किया जा सके। क्या ये अननेचुरल है? बिल्कुल भी नहीं। अननेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम कोई हवन करते हैं, किसी तरह के जेमस्टोन पहनते हैं, वो ऐसा ही है
जैसे कि तुम निसर्ग के साथ अपने को बिठाने के लिए काम कर रहे हो। अगर तुमने अग्नि का प्रयोग किया खुद के घर को रोशन करने के लिए तो डेफिनेटली वो समस्या क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही अग्नि का प्रयोग तुम पूरी की पूरी जंगल जलाने के लिए करो तो निसर्ग को तकलीफ होगी। इसे इसी तरह से समझना। पहली चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ज्योतिष शास्त्र को समझने में वो ये है, लोग समझते हैं कि अगर ये शास्त्र कहा गया इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी एनर्जीज है जो तुम्हें डिस्ट्रक्टिव मोड पर ला के रख देगी। नहीं, ये एक नेचर का ऐसा सिद्धांत है जो चल ही रहा है। तुम हो ना हो निसर्ग अपना काम करेगा, तुम हो ना हो गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा, तुम हो ना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपना काम करेगा। ठीक है, जब हम गुरुत्वाकर्षण को तोड़ते हैं, जैसे हम रॉकेट चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध में चीजें हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध में हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे गुरुत्वाकर्षण को कोई तकलीफ हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये अनैसर्गिक है? बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक प्रगति इंपॉर्टेंट है, उससे इतना ही ढूंढा जा सकता है कि कम से कम जो लॉसेस है निसर्ग के वो किस तरह से हो। बात तो ऐसी है कि अगर तुम कुछ भी ना करो जीवन में, ऐसे ही पड़े रहो, फिर भी तुम्हारे होने से भी निसर्ग को तकलीफ होगी। तुम अगर कुछ भी ना करो और ऐसे ही पड़े रहो अपने पूरे जीवन में, कुछ कर्म ना करो, फिर भी निसर्ग को तुम्हारे होने से तकलीफ होगी। तो इस चीज को बीच में मत लाना कि क्या ये अननेचुरल है, क्या इससे कोई समस्या अलग से क्रिएट होगी। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं तांत्रिकीय पद्धति। उन तांत्रिकीय पद्धति में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा अगर तुम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तंत्र के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, कुछ दिनों के बाद बात करेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें इतना ही कह दूं कि तांत्रिक पद्धतियों से जो भी तंत्र के बारे में तुम्हारी समझ है उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि कुछ अननेचुरल करना, मतलब तुम्हारी पत्रिका में कोई योग नहीं है, कोई चीज नहीं है, और उसे तुम किसी एनर्जी की मदद से अगर उससे फायदा ले रहे हो तो वो एनर्जी तुम्हें बड़ी तकलीफ देगी एक समय के बाद। और तंत्र के जानने वाले ये जानते हैं जो मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर तुम कोई जेमस्टोन पहनते हो, किसी तरह की पूजा करते हो जो सात्विक है, तो फिर तुम्हारे समस्या नहीं आएगी। ये ऐसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा रास्ता क्रॉस करता है, वो नहीं जानता कहां जाना है, लेकिन अगर उसका माँ या पिता का हाथ साथ में है तो वो सही से उस रास्ते को क्रॉस कर ले। ये माता और पिता का जो हाथ है उसके आसपास एक तरह की शील्ड है, उसकी प्रोटेक्शन की शील्ड। तो क्या तुम ये कहोगे नहीं नहीं बच्चा सीखना चाहिए, छोड़ दो उसको रास्ते? तुम यही समझते हो कि अभी वो सीखा नहीं है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। उसी तरह से तुम तुम्हारे जीवन के आसपास बनी हुई ऊर्जा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, तो उससे सुरक्षा के लिए तुम जो चीजें कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई समस्या नहीं। इस चीज को ऐसे ही समझना कि जैसे तुम कोई प्रोटेक्शन शील्ड लेके चल रहे हो और उस ऊर्जाओं को तुम तोड़ नहीं रहे हो, उसके आसपास एक प्रवर्तन बना रहे हो जिसके कारण वो ऊर्जा तुम्हारे आसपास भटके ना, या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी संक्रमित अवस्थाएं निर्माण कर रहे हो जिसके कारण वो ऊर्जा अब तुम्हारे शरीर पर काम ही ना करे। तो क्या आने वाली ऊर्जा तुम्हारे लिए निगेटिव हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वो काम ही नहीं करेगी, इतना ही। ये ऐसे ही है कि अगर मैं एक सर्किट करंट का वायर निकालूं, उसे बीच में काट दूं और दोनों तारों को थोड़ा सा दूर रखूं, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है क्या ये तुम्हें तकलीफ देगा? जब तक तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे तकलीफ नहीं दोगे ना। अगर तुमने उसे सील कर दिया और प्लग भी शुरू है तो भी तुम्हें तकलीफ नहीं होने वाली, समझे? ये उसी तरह से याद करना तुम्हारे घर का बटन कि जिससे तुम अपने अप्लायंसेस को शुरू करते हो और बंद करते हो जब भी तुम चाहो। उसी तरह से कुछ चीजें जो की जाती है ज्योतिष शास्त्र में वो एक तरह का प्रोटेक्शन है, बटन के जैसा है, जब तुम चाहो उसकी मात्राएं कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। इसमें कोई अनैसर्गिक नहीं है, इसमें कोई ग्रह तारे तुमसे नाराज नहीं होगे, ना ही उनकी ऊर्जाओं का कुछ नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारे बॉडी पर पड़े। तो इसका उपयोग ज्योतिष शास्त्र ने समझा भी और किया भी। जैसे एक आगे का क्वेश्चन है जेमस्टोन से रिलेटेड और पूजा पाठ से रिलेटेड, एक सवाल है कि क्या जेमस्टोन से इंसान के जीवन में परिवर्तन आ सकता है? क्या किसी विशेष प्रकार के स्टोन्स यूज कर, क्या विशेष प्रकार की पूजाएं कर, जैसे कि हम सुनते हैं कि कोई दोष है किसी प्रकार की, हमें शांति करनी है, तो अगर हम उस तरह की पूजा कर ले तो क्या हमारे जीवन में परिणाम होगा? मैं ये कहूंगा कि उन लोगों से एक बार जरूर पूछ लेना जिसका इन इफेक्ट है। ये चीज उसी तरह से काम करती है। अगर कोई ग्रह है जिसकी एक एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल एक अल्फा एनर्जी, ए हम उसको नाम देंगे, ठीक है, अगर तुमने वो ए एनर्जी या अल्फा एनर्जी अगर तुम्हारे बॉडी पर निगेटिव इफेक्ट डाल रही है,
लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स और भी है जो उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकती है, रोक सकती है। अगर उस जेमस्टोन को या उस एनर्जी सेंटर को तुम अपने पास रखोगे, अपने शरीर के पास रखोगे, तो तुम पाओगे कि उस अल्फा एनर्जी तुम्हारे शरीर तक आ रही है, अब उसके लिए एक तरह का आवर्तन बन गया, एक तरह की एनर्जी फील्ड बन गई, जिसके कारण उस ग्रह का या उस एनर्जी का नेगेटिव इफेक्ट अब तुम्हारे शरीर के आसपास गिर नहीं सकता। ये ऐसे ही है जैसे तुम साउथ पोल और साउथ पोल दोनों शरीर की एनर्जीज एक दूसरे के सामने लाओ, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। साउथ और नॉर्थ तो अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन मैग्नेट का जो नियम है, साउथ और साउथ अगर सेम पोल्स तुम आगे रखोगे, तुम पाओगे कि जैसे ही तुमने उसे पास लाया वो दूर हट गए। तो क्या ये जो दूर हटना है, ये जो बीच की जो उनकी दीवार है, क्या इससे कुछ निगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या इससे किसी को तकलीफ होगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से तुम्हारा जो शरीर है उसे डिवाइस के रूप में लेना, और जब किसी एनर्जी बॉडी तुम्हारे शरीर पर काम कर रही है, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो भी एक एनर्जी बॉडी, तुम्हारी जो बॉडी है उसके आसपास भी एक एनर्जी फील्ड, और अगर तुम किसी डिवाइस की और मदद लेते हो कि उस एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो तुम पाओगे कि उस ग्रह तारों से आने वाली जो ऊर्जाएं है अब उसमें रोक आई, उसमें कमी आई, उसके नेगेटिव इफेक्ट से तुम बचे। तो बिल्कुल भी इसे किसी तरह का जादू टोना या किसी भी तरह की तांत्रिक शक्तियां या किसी भी तरह का वहम मत समझ लेना, इसे बिल्कुल वैसे ही समझना जैसे कि विज्ञान है। ये वैसे ही है जैसे तुम औषधि का उपयोग करते हो तबीयत खराब होने के बाद। अगर तुम्हें बाहर घाव हो जाए और तुम कोई औषधि लगा दो, तो क्या तुम कहोगे कि यह औषधि जो है ये इससे तुम्हारी तकलीफ बढ़ेगी? नहीं। अगर तुम उसे औषधि ना भी लगाओ तो तुम्हारा शरीर ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद खुद को हील कर ही लेगा, लेकिन जो तकलीफ होगी, जो समस्या होगी, वो बड़ी होगी। और जैसे ही तुमने कोई औषधि लगाई जिसके कारण वहां का एरिया थोड़ा सुन हुआ और वहां की पूरी मेडिटेशन में थोड़ी सी गति आई, तुम्हें थोड़ी सी आसानी हुई, तो तुमने पाया कि जो जख्म 1 महीना 2 महीना लेता वो 10-15 दिन में ठीक हो गया और कम तकलीफ के साथ। ठीक है। अब उस औषधि में है क्या? उस औषधि में ऐसे गुण हैं जो उस जगह पर गिरे हुए घाव से तुम्हें बचा रहे हैं, जल्दी हील करने के लिए मदद कर रहे हैं। उसी तरह से तुम्हारे शरीर के आसपास जो जेमस्टोन्स या किसी तरह के कड़े, सोना, चांदी, तांबा अगर तुम यूज करते हो, जैसे हमने कल कहा, परसों की दिन आई थी, मैंने कहा कि अगर किसी भी स्त्री को गर्भ से रिलेटेड समस्या है तो वो ये करके देखे कि 64 ग्राम से ज्यादा की चांदी अपने पैरों में डाले, दोनों पैरों को मिला, टोटल जो चांदी का वेट है वो 64 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, इतना ही, और शुद्ध चांदी होनी चाहिए जो तुम्हें मार्केट में आसानी से मिल जाए। अब इसका फायदा यह है कि अगर इसने काम नहीं किया तो तुम उसे बेच सकते, ऐसा तो नहीं है कि पड़ी रह जाएगी और वेस्ट जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर फायदा हुआ तो क्या कहने। मेरे देखे हुए आज तक ऐसा है कि करीब करीब 70-80% लोगों को इसका फायदा हुआ है, और 70-80 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी समस्याएं कुछ और होती, ठीक है, वो समस्याएं किन्हीं और चीजों पे डिपेंड करती। तो अगर गर्भ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चांद से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये चीज तुम्हें सही कर देगी पूरी तरह से कुछ ही महीनों के अंतराल। ऐसा नहीं है कि ये पहना और कुछ ही दिनों में तुम्हें इसकी इफेक्ट आए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ महीनों के भीतर, 4-6 महीनों के भीतर इसके पूरे के पूरे इफेक्ट तुम्हारे शरीर पर आएंगे। ये कोई करंट नहीं है कि तुमने बटन दबाया और लाइट लगा, ये धीरे से काम करता है, निसर्ग का एक अपनी गति है और उसी हिसाब से वो काम भी करता है। तो वहां पे जल्दबाजी मत कर। और रही बात भावनों की और पूरे के पूरे व्यवस्थाओं की, जो पूजा पाठ की व्यवस्थाएं हैं, आप पाएंगे कि 2 रिसर्च हुई, देखिए, एक तो रिसर्च हुई गायत्री मंत्र के बारे में कुछ सालों के पहले, और वो रिसर्च कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं की थी, दिल्ली एम्स और दिल्ली आईआईटी के लोगों ने इस पर रिसर्च की थी और पाया था कि 300 स्टूडेंट्स को लिया गया और उन 300 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स को ऐसे ही रखा गया जैसे वो जीते थे, और 15 स्टूडेंट्स के साथ एक प्रतिक्रिया की गई, उन्हें गायत्री मंत्र का पाठ किया गया, एक माला रोज। तो जिन 150 स्टूडेंट्स ने 2-3 महीने तक गायत्री का पाठ किया रोज, एक माला 108 बार, वैज्ञानिकों ने यह पाया कि उनका जो माइंड है अब वो मोर काम है, मोर साइलेंट है, मोर क्रिएटिव है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी कामनेस, ये 40% तक इंक्रीज हो गई। अब वो 3 महीने के भीतर ही मोर हैप्पी है, मोर क्रिएटिव है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है उनके एरियाज। जब वैज्ञानिकों को इसे पता किया तो वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ये पूरा का पूरा शरीर एक तरह से ध्वनि निर्मित है,
हम कहते भी है, आध्यात्म में एक बड़ी प्यारी चीज कही गई, जैसे हमने कहा था उस दिन कि पूरे दुनिया के धर्मों को अगर तुम देखोगे तो वो एक ही चीज तुमसे कहेगी कि इस ब्रह्मांड की निर्मिति ध्वनि से हुई। कोई उसे ओमकार कहेगा, कोई बस ध्वनि कह देगा, कोई कुछ कह लेगा, कंपन से कह देगा, लेकिन कंपन है क्या? कंपन तो आखिर में ध्वनि ही बना रही है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि किस तरह से ध्वनि हमारे पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। ये ऐसे ही है, अगर एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो मैं तुमसे कहूंगा कि एक बार तुम अपना मनपसंदी गाना सुनो। अगर तुम्हारा मनपसंदी गाना सुन लो तुम पाओगे कि तुम्हारा मूड बदल गया, तुम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। अपने से गाना सुनते ही तुम खुश हो गए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और वही अगर तुम कोई ऐसा गाना सुन लो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे आजकल के घर के बूढ़े बाढ़े लोग अगर बच्चे रॉक म्यूजिक सुने या कुछ सुने तो चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है, ये क्या गाने हैं, क्या हमारे समय के पूरा प्रवचन शुरू जो हर घर में चलता है। तो तुम पाओगे कि जैसे ही तुमने वो शोर सुने, वो आवाजें सुनी जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, और अगर उसका कंटिन्यूअस इफेक्ट रहा तुम्हारे आसपास, तो तुम्हारी पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है वो बिगड़ जाएगी। तुम्हारे पूरे के पूरे शरीर पर उसका इफेक्ट होगा, तुम चिड़चिड़ापन महसूस करोगे थोड़े ही समय में। विज्ञान ने आज इतनी प्रगति कर ली है कि अकोस्टिक जैसी जो चीजें हैं वो भी हमने जनरेट कर ली है, और तो और साइमेटिक्स जैसी चीजें हैं वो भी हमने बहुत बड़े पैमाने पर जनरेट की गई। विज्ञान अब ये जान चुका है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन बॉडी पर काम कर रही है। आज हम ये जानते हैं कि सिर्फ ये मोबाइल फ्रीक्वेंसीज के द्वारा जो पक्षी है वो मर रहे हैं, जो पक्षी है उन्हें तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये मोबाइल फ्रीक्वेंसी है क्या? एक तरह का रेडिएशन, एक तरह की आवाज ही है, एक तरह की ध्वनि। ये वैसे ही है जैसे कि एक रेडियो है, रेडियो अगर तुम बजाओ तो आवाज आएगा, लेकिन उस रेडियो तक उस जो सैटेलाइट है या कोई एंटीना है वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसे हम देख नहीं पाते खाली आंखों से, लेकिन वो है क्या? वो एक तरह की ध्वनि ही है। वो डिवाइस क्या कर रहा है? वो डिवाइस उसे कन्वर्ट कर रहा है साउंड एनर्जी में, जिसे हम समझ सकते हैं। जैसे अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से जब आवाज निकल रही है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में ही निकल रही है, तुम्हारे कानों के पास वो क्षमता है कि उसे वो डिकोड कर ले। लेकिन विज्ञान ने यह भी पता किया है कि दुनिया भर के ऐसे जीव है जो अपने से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जो चींटियां चलती है वो भी एक दूसरे से बात करती है, उनका भी पूरा का पूरा एक तरह का सिस्टम है बात करने का, उनकी भी एक लैंग्वेज है। उसे हम सुन नहीं सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी ऑडिबिलिटी जो है, उनके सुनने की जो गति है वो बहुत कम, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी कम है कि हमारे ह्यूमन ईयर को वो सुनाई नहीं देती। हम ये जानते हैं कि जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो एक लिमिट तक ही हम सुन सकते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम तक ही एक पर्टिकुलर रेशियो है जिसमें हम सुन सकते हैं, उसके बाहर की आवाज हम हमारे कानों से नहीं सुन सकते, हम नहीं समझ सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, ठीक है। और यही कंपन बहुत बड़े पैमाने पर तुम्हारे जीवन को संचालित करता है। विज्ञान आज ये जानता है कि अगर तुम मोबाइल का डेटा शुरू रखकर अपने सर के पास अपने मोबाइल को लेकर सो जाओ तो तुम्हारे ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। ये प्रूव्ड है चीजें, ये कोई मैं बता नहीं रहा हूं, तुम सब ये चीजें जानते हो, बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि विज्ञान इस चीज को कर चुका है। विज्ञान इस चीज को समझ चुका है कि तरंग जो है, जो आवाज है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ह्यूमन बॉडी पर किस तरह का प्रभाव डालती है। और जो 2-3 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ गायत्री से रिलेटेड, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और वो चौंकाने वाला ही चीज थी, क्योंकि अब हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो मंत्र का विज्ञान है, ये जो विशेष प्रकार की आवाज, ये विशेष प्रकार की ध्वनियां हमारे शरीर को किस तरह से फायदा और नुकसान पहुंचा सकती, ठीक है। दूसरी एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जो महामृत्युंजय मंत्र का था, काशी में कुछ वो लोग कि जो महामृत्युंजय को जपना बराबर से जानते थे, एक विद्यालय को लिया गया, वहां के स्टूडेंट्स को लिया गया, और दिल्ली एम्स के कुछ ऐसे बीमार पेशेंट्स को लिया गया, 40 बीमार पेशेंट्स को जो करीब करीब कोमा या पैरालिसिस की अवस्था में थे। जब उनके नाम के अनुष्ठान रखे गए 125,000 के महामृत्युंजय मंत्र के, अब वो तो दूर थे, वो तो काशी में थे और वो दिल्ली में एडमिट थे, तो पाया गया कि जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, जिन 20 लोगों के नाम पे ये अनुष्ठान को किया गया, 40 लोगों को लिया गया, उन्हें सेम ट्रीटमेंट चल रही थी करीब करीब, उन्हें सेम मेडिकेशन चल रहा था, एक ही जगह पर रखा गया था, सरी के ही डॉक्टर्स उन्हें चेक कर रहे थे, उनकी कंडीशन भी करीब करीब सेम ही थी। 20 लोगों के लिए नहीं किया गया, 20 लोगों के लिए किया गया, 20 में से 19 लोग सही हो गए। उनकी बीमारी में डॉक्टर्स को पता चला कि उनकी रिकवरी रेट जो है वो फास्टर हुआ,
बुद्ध ने बड़ी प्यारी चीज कही है। बुद्ध कहते थे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी लुप्त नहीं होता, हमेशा सुरक्षित रहता है। कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लुप्त हो जाएगी, कोई भी ऐसी याद है याद नहीं है, ना ही शब्द है जो गुम जाएंगे इस अस्तित्व में। सब कुछ ध्यान रखा जाता है, सब कुछ जैसा का वैसा कहीं ना कहीं सुरक्षित। और कहीं ना कहीं आज इंसान इस चीज को मानता है, कहीं ना कहीं आज इसको देखते देखते हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ये चीज सच है कि कभी कोई छोड़ी गई फ्रीक्वेंसी हमें आज तक मिलती है, कभी कहीं से निकली हुई फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रही है, छोटे छोटे एरिया में क्यों ना। हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी की जो गति है वो कम हुई, लेकिन अगर हम ऐसे डिवाइसेस को जनरेट कर पाए जो कम हुई हुई फ्रीक्वेंसी को भी देख पाए, तो तुम पाओगे कि हाँ उन चीजों को भी तुम सुन पा रहे जो कई सालों पहले इमिट हो चुकी है इस ब्रह्मांड। और अगर वैसे देखा जाए तो हम हर कोई भूतकाल को ही देख रहे हैं। मैं तुमसे कहूं कि हर कोई यहां पर, ऐसा कोई नहीं है जो प्रेजेंट मोमेंट को देख पा रहा है। तुम पूरी दुनिया की बात करो, क्यों? क्योंकि हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो प्रकाश का रिफ्लेक्शन, एक लाइट तुम्हारे शरीर पर गिर रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में जा रही है और फिर मुझे तुम दिखाई दे रहे। क्योंकि प्रकाश की रफ्तार, जो लाइट की रफ्तार है वो इतनी तेज है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो ट्रेवल करता है, इसलिए जो मूवमेंट्स है वो इतने फास्ट हो रहे हैं कि हम ये देख नहीं पाते कि उसमें थोड़ा सा डिले है। अगर मैं ये हाथ ऐसे हिला दूं तो वो जैसे के वैसे तुम तक पहुंच पा रहा है क्योंकि अंतर कम है और साथ ही साथ उसकी स्पीड ज्यादा है। लेकिन अगर कोई चीज दूर रही, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचने में 6.5 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम 6.5 मिनट पुराना सूर्य देखते हैं, ना कि वैसा जैसे इस क्षण में वो है। और वैसे ही ग्रह तारों की बात आती है, जब ग्रह तारों को स्टडी किया जाता है, जब किसी ग्रह तारों को देखा जाता है कि कोई 1 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, कोई 1,000 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका इतना ही मतलब है कि 1,000 साल पहले वो चीज जैसी थी वैसे हमें आज दिख रही है, ना कि अभी जैसी है वैसे। इस चीज को समझो कि ये विज्ञान जो है ये बड़ा ही जटिल है, जब तक इसे डिकोड ना किया जाए शायद ही हम कभी इस पर गौर भी करते हैं। तो विज्ञान इन चीजों को प्रूव कर चुका है कि किस तरह से मंत्र विज्ञान के द्वारा ह्यूमन बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं। एक साइमेटिक्स नाम का पूरा डिपार्टमेंट है विज्ञान में जो इन चीजों को स्टडी करने के लिए ही बना है। हंस जेनी नाम का एक साइंटिस्ट था 1970 में, उसने एक बड़ी खोज की थी, उसे फादर ऑफ साइमेटिक्स भी कहा जाता है। इस इंसान ने बहुत बड़े पैमाने पर साइमेटिक्स में काम भी किया और साइमोस्कोप जैसे इक्विपमेंट्स भी बनाए जिसके कारण साइमेटिक्स में और काम हो पाए। उसने पाया कि एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरह के यंत्र बनाते हैं। अगर तुम ओम की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करो तो उस साइमोस्कोप पर श्रीयंत्र बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, तुम अगर गूगल भी करो, हंस जेनी नाम का इंसान को अगर तुम गूगल भी करो और उसके रिसर्च पेपर भी तुम पढ़ लो तो तुम पाओगे कि ओम फ्रीक्वेंसी के द्वारा श्रीयंत्र की निर्मिति हो पा रही है और इसीलिए हमारे पूरे के पूरे देश में या हमारी पूरी की पूरी संस्कृति में श्रीयंत्र का इतना महत्व है। कहा जाता है कि वो केंद्र से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य फ्रीक्वेंसी है, जो जागृति की फ्रीक्वेंसी है, जो ब्रह्मांड की खुद की अपनी ऊर्जा है, खुद की अपनी ध्वनि है, उससे वो निर्मित है। और ऐसे हर किसी जो बीजाक्षर है हमारे यहाँ पर, जैसे कि गणपति के लिए गम कहते हैं या गम ग्लोम कहते हैं, जैसे देवी के लिए रिम, इस तरह के जो बीजाक्षर है उनके भी जब इस तरह की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि उस तरह के यंत्र बने जिस तरह के यंत्र हम आज तक स्टडी करते आए हैं या हमारे मंदिरों में या पूजा घरों में रखते आए हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं कि ये यंत्र आया कहाँ से। ये आया है उस ध्वनि से जिसके कारण हम उस डाइटी को पूछते हैं, ये यंत्र बना है उस ध्वनि के कारण, उस कंपन के द्वारा। अब तो ये प्रूव भी हो चुका है। तो जो भी लोग मंत्र विज्ञान में और ज्यादा काम करना चाहते हैं वो थोड़ा साइमेटिक्स के बारे में पढ़े, वो पाएंगे कि कितने अभूतपूर्व है हमारे पुराने रचे गए मंत्र। लेकिन एक बहुत चीज महत्वपूर्ण है मंत्रों में, वो है जपने की पद्धतियां, कि किस तरह से तुम उसे जपते हो। ये महत्व नहीं है कि जैसे तुम नॉर्मली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ओम भूर्भुवस्वः का मंत्र लिया गायत्री का और तुम कहते हो ओम भूर्भुवस्वः तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय, ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो लय में नहीं है, उसके कंपन उस तरह से निर्मित नहीं है कि जो तुम्हारे शरीर के लिए काम करे। अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे कि मैंने अभी ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, और तुम कहो कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है, कल से शुरू कर देंगे, अपने लिए भी फायदा होगा, और तुम अपनी माला लेके बैठो और ये काम नहीं करने वाला तुम,
वो एक लय में जब चलेगा, सही तरह से जब चलेगा, तभी तुम्हारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि कंपन तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। तुम ये ना समझो कि मैं कोई मंत्र जपूंगा और कोई डाइटी तक पहुंचेगा और वो डाइटी उसका रिवर्सिफिकेशन मुझे गिफ्ट की तरह देगा। ये सब बातें बाद में रखना, क्योंकि इस विज्ञान को समझाया नहीं जा पाया था, इसलिए डाइटी वगैरह इन सारी चीजों को उसमें बहुत ज्यादा पैमाने में इंट्रोड्यूस किया गया। लोगों को ये समझा कि उस मंत्र को जितना तुम भावावेश के साथ पढ़ोगे, जितना भीतर से, जितना मन लगा के करोगे, उतना ही उसकी एनर्जी तुम्हारे भीतर आसपास काम करेगी। ये वैसे ही है, अगर तुम पुराने मंदिरों में जाओगे और अंदर के गर्भगृह में बैठोगे, तो उस गर्भगृह में बैठने के बाद ही तुम पाओगे कि अपने से तुम्हारे भीतर एक शांति की निर्मित। अगर तुम किसी भी मंत्र को वहां पर रिसाइट करोगे, तो तुम पाओगे कि उसके ऊपर का जो गुंबद है, जो गोल गुंबद है, जो अर्धचंद्रकार है, वो घूमकर तुम्हारे और उस मंत्र को भेज रहा। इसलिए हमारे देश में हर जगह मंदिरों की निर्मित की गई और लोगों को यह कहा गया कि रोज मंदिर जाना ही, और इस सर्टन टाइप्स ऑफ मंत्र दिए गए जिसके कारण उस मंत्र का पूरी तरह से उसके जीवन पर इफेक्ट हो। क्योंकि यह समझाना पुराने लोगों को मुश्किल था, क्योंकि उनके पास उतनी एजुकेशन ही नहीं थी। आज बिकॉज हर किसी के पास एजुकेशन है, इसलिए यह समझना और ज्यादा आसान है। क्योंकि यह मास तक पहुंचाना था, मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना था, इसलिए कथाओं का निर्माण किया गया, ताकि साधारण से साधारण इंसान को भी कथा के रूप में इस चीज को समझ में आ जाए। लेकिन इसका वैज्ञानिक परिणाम यही है कि जब मंत्र तुम्हारे आसपास घूमेगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अगर तुम्हारे आसपास चलेगी, तो तुम्हारे जीवन में अपने से बदलाहट आने लगेगी। क्या यह अननेचुरल है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऐसे ही है कि अगर हम जन्म लिए, तो क्या जन्म के साथ कोई तुम एजुकेटेड होते हो, तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? नहीं। और बाद में अगर तुम लिखते पढ़ते हो, तो क्या यह अननेचुरल हुआ? क्या तुम ये कहोगे कि नहीं नहीं परमात्मा ने तो ऐसे ही जन्माया, तो परमात्मा ने तो नग्न ही जन्माया था ना, तो नग्न ही रहते बच्चे। परमात्मा ने तो अशिक्षित ही जन्माया था ना, तो अशिक्षित ही रह जाते। परमात्मा ने जब जन्माया तब तो तुम दूध पीते थे ना, तब जिंदगी भर दूध ही पीते। इस चीज को समझने में हमें मुश्किल नहीं होती। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो विकास का दर है। हम ये जानते हैं कि एक छोटा बच्चा 6-8 महीने तक उसे दूध ही चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो हम जो खाना खाते हैं वो भी इसे खिलाना शुरू करो, ताकि 2-3 सालों की उम्र तक वो सारा वो खाना खाए जो हम खाते। ये विकास की दर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अननेचुरल है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता तो माँ बाप उसे 100 चीजें सिखाते हैं दुनिया में रहने के हिसाब से, क्या ये अननेचुरल नहीं है? इस सवाल के द्वारा अगर देखा जाए कि अगर ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी किया जा सकता है या कुछ बदलाहट किए जा सकते हैं, तो क्या वो अननेचुरल नहीं है? तो मैं तुमसे वही चीज पूछूंगा कि किसी बच्चे के जन्म के साथ जब तुम उसे सिखाना शुरू करते हो, तो क्या तुम उसकी नेचुरल स्टेट तोड़ नहीं रहे हो? तो क्या वो अननेचुरल नहीं है? यहां पे हमें ये सवाल नहीं आता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का नाम लेते ही हमें 100 क्वेश्चन मार्क्स आने लगते, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता है, ये बताया गया है, बहुत फैलाया गया है कि ज्योतिष शास्त्र एक अवैज्ञानिक पूरी की पूरी रचित अवस्था है, पूरा का पूरा विज्ञान है, ये तो बस पाखंड है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं तुम्हें खुला चैलेंज करता, कोई भी एक वैज्ञानिक, कोई भी एक ज्योतिष शास्त्र को न मानने वाला, मुझे कुछ प्रूफ ला के दे, मैं ज्योतिष शास्त्र को सबके सामने ये पब्लिकली एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ ज्योतिष शास्त्र का। लेकिन रॉ प्रूफ लाना, ये मत कहना कि इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, इन्होंने ये कहा था, इस तरह की बातें मत करना। क्योंकि किसी को सुनकर उनकी अपनी समझ है उन चीजों के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े हैं, उन्होंने जो चीजें कही वो किसी और रूप में कही, तुम उन चीजों का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो अपने जीवन में कि जैसे कि बस तुम भी जानते हो, तुम उसी चीज को सुनते हो जो तुम्हारे अहंकार को पोषित करती है। तुम भी जानते हो कि तुम्हें उसी चीज को सुनने में पसंद आता है, सारी चीजें जो तुम्हें अच्छा फील कराती है अंदर से, और तुम बड़े तार्किक बन जाते हो कि नहीं नहीं बराबर है, ये कहाँ काम करता है, छोटे से बच्चे पे ग्रह तारे क्या काम करेंगे, ये छोटे मोटे 2 कौड़ी के पिक्चर देखकर तुम ऐसे सवाल पूछने लगते हो कि नहीं नहीं उस बच्चे को क्या पता कौन सा ग्रह तारा उस पर काम करे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बीज को ये पता है कि किस तरह से रूपांतरित होना है, और हर बीज का अपना एक रूपांतरण है, तो ये ब्रह्मांड भी जानता है कि उसके साथ करना। तुम साइंटिफिकली अगर बात करना चाहो तो मैं तुमसे खुला चैलेंज करूंगा कि एक प्रूफ कोई लेके आए कि ये साइंटिफिकल एविडेंस के साथ हम प्रूव करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता, मैं बात करना छोड़ दूंगा इस चीज पे, मैं खुद मान लूंगा कि नहीं सच। और परसों से मैं तुम्हें ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता चुका हूं, कई लोगों के बारे में बता चुका हूं जिन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूव किया। और तो ऐसे कही है
कि जिनके बारे में तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम रुकोगे नहीं। एक बार जिसने ज्योतिष शास्त्र को पकड़ा, जिसने उसकी स्टडी की, जिसने पाया कि इस हिसाब से सच में इस इंसान के जीवन में इस तरह की घटनाएं हो रही है, अब वो नकारेगा कैसे? वो देखेगा कैसे कि नहीं नहीं ये झूठ है, क्योंकि उसे अपने जीवन में वो अनुभूतियां हुई है जो वो किताब उसे बता रही है। तो रही बात इन पूजा विधियों की, वो उसी तरह से काम करता है जिस तरह से ये मंत्र, ये पूजा है, ये विधियां तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास उस तरह का एनर्जी का एक घेरा बना देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी से तुम बच जाओ। ये वैसे ही है कि अगर तुम अपना मनपसंदी गाना सुन लो तो तुम नाचने लगो आनंद के साथ, तो तुम्हारे आसपास एक आनंद की लहर पैदा। और अगर तुम अपने परेशानी में हो और तुम अगर ट्रैफिक में अटके हो और हर कोई हॉर्न बजा रहा है, तो तुम और पगलाहट में आ जाओगे, तुम्हारी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तुम बड़ा गुस्से से लाल हो जाओगे, हर किसी को गाली मारोगे, और घर आने के बाद भी वो बहुत लंबे समय तक उस एनर्जी के साथ तुम जियोगे। हो सकता है कि घर पे आने के बाद तुम्हारा झगड़ा भी हो जाए, क्यों? वो रीजन वो इंसान नहीं है जिसके साथ तुम झगड़ रहे हो, वो रीजन वो फ्रीक्वेंसी है जिसने तुम्हें बहुत बड़े समय तक परेशान किया, एक दो घंटे तक ट्रैफिक के बीच। इसलिए तुम पाओगे अगर कोई ट्रैफिक के बीच में अटकने के बाद अगर पहुंचता है तो थोड़े समय के लिए वो ऐसा हला हो, वो कहता है कि यार पागल हो गया ट्रैफिक में, थोड़ा सा बैठने दे, पानी वानी पीने दे, हाथ पाए धोने दे, राइट? और शायद इसीलिए हमारे यहाँ पर एक पद्धति गिरी, और वो ये है कि अगर तुम कभी भी बाहर से आते हो तो हाथ पैर धो लो, कभी भी बाहर से आते हो कुछ काम करके, दिन भर का काम करके आते हो तो हाथ मुंह धो लो। ये हाथ मुंह धोने की पद्धति क्यों है? लोग इसे बहुत बड़े पैमाने पर हाइजीन के रूप में देखते हैं, बिल्कुल सही, ये हाइजीन के रूप में बिल्कुल है, लेकिन उसका एक और प्रारूप भी है जो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि अनुभव करने के लिए, कि तुम थके मांदे आते हो, अगर तुमने स्नान भी कर लिया या हाथ पैर भी धो लिए, तुम पाओगे कि तुम फ्रेश फील कर, क्योंकि जो पानी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो तुम्हारे जीवन को हल्का करने में या तुम्हें थोड़ा सा लाइट करने के लिए काम कर। हम कभी पानी के ऊपर पूरी की पूरी एक प्रवचन माला चलाएंगे कि किस तरह से पानी एग्जैक्टली तुम्हारे भीतर काम करता है, तो उसमें थोड़ा हम डीपली बता पाए, लेकिन ये तो हुई ऊपर की चीज है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि अगर तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस में है तो तुम्हें प्रूफ की क्या जरूरत? तुम जानते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही है, अब डीएनए प्रूफ की क्या जरूरत है? तुम जानते हो कि खाना खाने के बाद तुम्हारा पेट भर रहा है, अब तुम्हें इसकी विज्ञान पता करने की क्या जरूरत? जिन्हें करना है वो बिल्कुल करे, वैज्ञानिक प्रगति के लिए जरूरी है, मैं मानता हूं ये बहुत जरूरी है शरीर को समझने के लिए, कि शरीर के हर तंतु को समझा जाए, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उसी के साथ ये चीज भी समझ लेना कि अगर खाना खाने से तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हें फील हो रहा है, अब इसको समझ के भी क्या कर लो? और कुछ तो चीजें ऐसी है जिसका वैज्ञानिक प्रभाव, वैज्ञानिक परिणाम कभी तुम जुटा ही नहीं पाओ। अगर तुम्हें किसी पहाड़ों के सामने खड़ा कर दिया जाए, तुम अगर कश्मीर में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, या महाराष्ट्र में भी सातारा की ओर चले जाओ, एक फेस्टिवल होता है ना, कुछ आता है, मैंने सुना है कि सातारा के पास कोई माउंटेन है जहां पे बहुत सारे फूल खिलाते, कास पठार, तो वो जो खूबसूरती है निसर्ग की, उसके सामने जैसे ही तुम जाओगे तुम पाओगे कि क्या खूबसूरती, कोई भी कह देगा वाह। और अगर कोई तुमसे पूछे कि खूबसूरती क्या है इसमें, फूल फूल है, पहाड़ पहाड़ है, नदी नदी है, इसमें क्या खूबसूरती है, तो तुम बोलोगे, तुम जवाब भी देना पसंद नहीं करोगे भाई, यही कहोगे ना, हट पागल है, इतना ही कह पाओगे तुम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक माँ का और उसके बच्चे का जो संबंध है वो किसी किताबी कीड़े पे नहीं आ सकता। तुम कितना ही रेखाट लो, तुम कितना ही उसके ऊपर वाक प्रचार कर लो, तुम हजारों किताबें लिख, लेकिन माँ ही जानती है वो कैसा फील करती है अपने बच्चे के बारे में, और बच्चा ही जानता है कि वो अपने माँ की ओर देखकर, अपने माँ को परेशानी में देखकर कैसा फील कर। इसे कोई विज्ञान समझा नहीं सकता। हाँ, तुम बायोलॉजिकली ये बोल सकते हो, हाँ अपने माँ को देख के उसके दिमाग में इस तरह के तंतु विकसित हो रहे हैं, वो तंतु उससे ये काम करा रहे हैं, फलाना फलाना थोड़ा, लेकिन अब ये गंदा हो गया, ये निचलतम स्तर से भी गंदा हो गया, कि तुम उस माँ को कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो अफेक्शन है, ये तुम्हारे ये प्रेम है ही नहीं तुम्हारे बच्चे के लिए, ये तो तुम्हारे माइंड है और उसके भीतर बनने वाले ये तंतु है, उसके भीतर बनने वाली ये न्यूरिनोज है जिसके कारण तुम्हें वो इंसान दिखने के बाद ऐसा अच्छा फील होता है, ऑल दैट, वो माँ तुम्हें चप्पल से मारेगी, बहुत गाली देगी अगर वो पुणे की ना हो। तो कहने की बात यह है कि हर चीज का वैज्ञानिक प्रभाव, वैज्ञानिक पुरावा या परिणाम नहीं हो सकता,
हर चीज को तुम विज्ञान के रूप में देखोगे, तुम पाओगे कि तुम एक पगलाहट में फंसे। कुछ चीजों के लिए एक्सपीरियंस इनफ है, कुछ चीजों के लिए तुम्हारे जीवन में उसके कारण हुई बदलाहट इनफ है इस चीज को समझने के लिए कि हाँ वो चीज काम करती है।